अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माई चैनल कुकिंग विद सुमैरा शराज। आज मैं आप लोगों को मज़ेदार किस्म की नान खताई बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल यानी कि 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया है और सेम उसी साइज़ के एक और कप में मैंने आधा कप शुगर का इस्तेमाल किया है, यानी कि नॉर्मल जो रिफाइंड शुगर इस्तेमाल होती है उसी को मैंने इस्तेमाल किया है। हैंड बीटर की मदद से इन दोनों इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे तरीके से बीट कर लीजिए। 5 से 6 मिनट तक इनको नॉर्मल आपने बीट करना है ताकि ये अच्छे तरीके से शुगर और कुकिंग ऑयल डिज़ोल्व हो जाए और एक प्यारा सा हमारा मिक्सचर रेडी हो जाए। बहुत ही लेस इंग्रेडिएंट्स, जस्ट 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं आज आप लोगों को नान खताई बनाना सिखा रही हूँ। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को ये मज़ेदार किस्म की नान खताई की रेसिपी कैसी लगी है। मीठा स्पेशल रेसिपी है। जिस तरीके से इनको मैंने बीट कर लिया है, अब नॉर्मल जो घरों में छाननी इस्तेमाल होती है आटा छानने के लिए, उसमें मैंने 1 कप आटा छान लिया है। याद रहे कि मेजरमेंट कप एक ही साइज़ के होने चाहिए, जैसा कि हर एक रेसिपी में मैं बताती हूँ। नॉर्मल जो बाउल या कप घरों में इस्तेमाल होते हैं वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आपने भी सेम वही नॉर्मल मेजरमेंट के कप इस्तेमाल करने हैं और अच्छे तरीके से इसको छान लीजिए ताकि इसमें कोई कचरा वगैरह हो तो वो अच्छे तरीके से अलग हो जाए। और ये मैंने आटा छान लिया है और हैंड बीटर की मदद से जो हमने चीनी और कुकिंग ऑयल का मिक्सचर रेडी किया था उसके अंदर इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा मैंने हैंड बीटर की मदद से मिक्स किया है और बकाया इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद मैं इसको हाथ से अच्छे तरीके से एक प्यारी सी सॉफ्ट सी टेक्सचर की डो बना लूँगी। साथ साथ 1 टेबलस्पून इसमें मैंने बेकिंग पाउडर डाला है और बहुत ही लेस इंग्रेडिएंट्स के साथ जो नॉर्मल इस्तेमाल होने वाले घरों के इंग्रेडिएंट्स हैं वही इसमें मैंने डाले हैं। कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट इस्तेमाल नहीं किया। सॉल्ट इसमें ऑप्शनल है, जस्ट अ पिंच यूज़ होगा। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसका बहुत अच्छा फ्लेवर और टेक्स्चर आता है, इसीलिए नान खताई में थोड़ा बहुत नमक का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। और एक और ऑप्शनल यानी कि आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये इंग्रेडिएंट है मज़ेदार किस्म के वनीला एसेंस। 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें वनीला एसेंस का इस्तेमाल किया है। इस 3 इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद हैंड बीटर की मदद से इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब हाथों की मदद से मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और प्यारे से टेक्स्चर की एक सॉफ्ट सी डो बना लेनी है। याद रहे कि हमने इसमें कोई भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि पानी तो हमने इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन अगर डो आपकी ना बन रही हो, ये आपस में जुड़ ना रहे हो, तो हमने इसमें जस्ट 2 टेबलस्पून मिल्क ऐड किया है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें जस्ट 2 टेबलस्पून मिल्क का इस्तेमाल किया है और इसके बाद इसको मैं अच्छे तरीके से हाथों की मदद से गूंद रही हूँ ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएं और एक हमारी मज़ेदार किस्म की नान खताई के लिए थोड़ी सी सॉफ्ट टेक्सचर की डो बन जाए। आप देख सकते हैं कि अब ये इंग्रेडिएंट्स अच्छे तरीके से जब मैंने गूंदना शुरू किए हैं तो ये आपस में मिक्स होना शुरू हो गए हैं और हमारी डो की शेप रेडी होने लग गई है। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे, टाइम टेकिंग है ये रेसिपी, लेकिन आपने अगर इसको आराम से और तसल्ली से बनाया तो बहुत ही मज़ेदार किस्म की नान खताइयाँ आज आपकी बनने लगी हैं। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। आप देख सकते हैं 5 से 6 मिनट तक तकरीबन मैंने इसको स्टिल गूंद लिया है। हाथ की मदद से मैं इसको गूंद रही हूँ, जिस तरह सेम हम आटा गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरीके से गूंदेंगे तो ये ऑयल इसके अंदर एब्जॉर्ब होने लग जाएगा और ये हमारी डो एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से मिलके एक प्यारे से टेक्सचर की हमारी नान खताई के लिए डो बन जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से आपने भी इसको बनाना है। और अब हाथ की मदद से, दोनों हाथों की मदद से इसको मैं अच्छे तरीके से एक गोल सा पेड़ा बना रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म की नान खताई की रेसिपी आपने ट्राई ज़रूर करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। हाथों की मदद से इसको मैंने अच्छे तरीके से ये एक गोल सा पेड़ा बना लिया है। अब इसमें से हम छोटे छोटे पीसेस लेंगे और गोल सी नान खताइयों की शेप में हमने छोटी छोटी सी रोटियाँ बनानी हैं। ये देखिए किस तरीके से मैं ये छोटा सा मैंने इसका पीस लिया है और हाथों की मदद से मैं इसको एक रोल सा शेप बना रही हूँ। उसके बाद इनको दोनों उंगलियों की मदद से साइडों से हम रोल शेप में बनाएंगे और इस तरीके से ये हमारी एक प्यारी सी नान खताई की रेसिपी की शेप रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से हमने सारी नान खताइयाँ रेडी कर लेनी है। आप देख सकते हैं कि और फिर इसके ऊपर मैं छुरी की मदद से कट लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 1 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल को जस्ट इनके ऊपर ब्रश की मदद से स्प्रिंकल कर दिया है। आप भी इस तरह से करेंगे तो इससे ये होता है कि हमारी नान खताइयों का कलर बहुत ही मज़ेदार और प्यारा आता है, इसीलिए आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। इसी तरीके से सेम जो जो स्टेप्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ आप ये इस तरीके से फॉलो करेंगे तो आपकी नान खताइयाँ मज़ेदार किस्म की बनने लगी हैं। अब चलते हैं, एक प्यारा सा हमने
कोई भी बाउल का ढक्कन ले लिया है, घरों में इस्तेमाल होने वाले जो बाउल होते हैं उसका मैंने ढक्कन लिया है, या बेकिंग ट्रे आपके पास अवेलेबल है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून कुकिंग ऑयल इसके ऊपर ग्रीस कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मैं वही इन्ग्रीडियंट्स और वही यूटेंसिल्स इस्तेमाल करती हूँ जो हर घरों में इस्तेमाल होते हैं। हर घर में बेकिंग ट्रे अवेलेबल नहीं होती, इसीलिए मैंने एक ढक्कन लिया और उसके ऊपर ये सारी नानखताएँ जो हमने पहले से रेडी करके रखी हुई उसके ऊपर रख देंगे। ऑयल की मदद से इसको ग्रीस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हमारी नानखताइयाँ तवे के ऊपर बेकिंग के दौरान नीचे से लग ना जाए। एक तवा मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया है। याद रहे विदाउट ओवन के मैं आप लोगों को ये नान खताइयाँ बनाना सिखा रही हूँ तवे के ऊपर। तवे को मैंने 5 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था। आप देख सकते हैं कि इसके नीचे बहुत ही लो फ्लेम है और इसके साथ साथ ये ड्राई नट्स क्रश किए हुए मेरे पास पड़े हैं, इनको हम गार्निशिंग के तौर पर नान खताइयों के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार किस्म की नान खताइयाँ आज बनने लगी हैं। आपने नान खताइयों को ज़रूर ट्राई करना है। मीठा स्पेशल रेसिपीज़ हैं, कोई मेहमान वगैरह घर में आ जाएँ तो बहुत ही जल्दी और झटपट बन जाती है, इसीलिए आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। टी टाइम स्नैक्स में ब्रेकफास्ट के तौर पर भी आप इसको खा सकते हैं। बच्चों को भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करवाइएगा। और ये देखिए जी किस तरीके से ये मैंने इसको तवे के ऊपर रख के एक छोटी सी जो नॉर्मल घरों में प्लेट इस्तेमाल होती है उसके ऊपर इसको ढक के बहुत ही लो फ्लेम पर 30 मिनट्स के लिए रख दिया है। 30 मिनट्स तकरीबन गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी नान खताइयों के ऊपर क्रैक्स पड़ गए हैं। बिल्कुल सेम ऊपर से जितनी ज़्यादा क्रिस्पी लग रही हैं अंदर से उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट और मज़ेदार किस्म की नान खताइयाँ रेडी टू ईट हैं। चाय के साथ आप इनको सर्व करें, शाम में टी टाइम स्नैक्स के तौर पर भी इनको इस्तेमाल करें, बच्चों को आप लंच में भी दे सकते हैं और ब्रेकफास्ट में भी दे सकते हैं। आई होप आपने ये नान खताइयाँ ज़रूर ट्राई करनी है। आप चलते हैं सर्विंग की तरफ। एक प्यारी सी ट्रे में हमने ये नान खताइयाँ सर्व करनी है। चाय के साथ आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ कि ऊपर से ये कितनी ही क्रिस्पी लग रही हैं और इनके ऊपर क्रैप्स कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। जिस तरह एक नॉर्मल हम बेकरी से नान खताई लेते हैं बिल्कुल उसी तरीके से ये ऊपर से इतनी ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट टेक्सचर की नान खताइयाँ बन चुकी हैं। मैं दूसरी साइड से भी आपको दिखा देती हूँ, गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। मज़ेदार किस्म की नान खताई की रेसिपी, आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल एक न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।